नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी में और वक्त हो गया है सुबह की पांच बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री बोले, आतंकवाद से सहानुभूति रखने वाले कर रहे हैं 370 हटने का विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 हटाए जाने पर विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि इसका विरोध कुछ ही लोगों ने किया है जो कि चंद परिवार और आतंक के प्रति सहानुभूति रखते हैं। दिल्ली NCR की लाखों महिलाओं को केजरीवाल दे सकते हैं रक्षाबंधन का तोहफा। आम आदमी पार्टी की सरकार 15 अगस्त को एक और चुनावी तोहफा दिल्ली NCR की जनता को दे सकती है। ये योजना खास तौर पर महिलाओं के लिए है। केजरीवाल सरकार इस बार 15 अगस्त को इन्हें रक्षाबंधन को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सांप्रदायिक बवाल के बाद जयपुर के कई इलाकों में लगाई गई धारा 144। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। पूरे इलाके में सुरक्षा के बंदोबस्त तेज कर दिए गए हैं। धरती की कक्षा छोड़ चंद्रमा की ओर रवाना हुआ चंद्रयान 2। आज यानी बुधवार की सुबह पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रमा की कक्षा की ओर चंद्रयान 2 निकल गया है। इसके बाद 31 अगस्त तक चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करता रहेगा, फिर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ेगा। 7 सितंबर को यह चंद्रमा पर लैंड कर जाएगा। गुजरात में समंदर के रास्ते घुसपैठ की फिराक में है पाकिस्तानी आतंकी, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बाद से ही बौखलाया पाकिस्तान, अब आतंकी घुसपैठ के लिए गुजरात से लगी सीमा का इस्तेमाल कर सकता है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने गुजरात पुलिस को इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। तो ये थी आज सुबह की पांच बड़ी खबरें। देश और विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हिमांशी, पंजाब केसरी स्टूडियो से।